अब देखिए न्यूट्रल लाइट बंद हो गई, लेकिन एक प्रॉब्लम ये है कि इसका जब क्लच दबाएंगे तो न्यूट्रल लाइट जल जाएगी, देखना। हेलो फ्रेंड्स, मैं जमील खान और हमारे चैनल जमील ऑटो वर्क में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं दोस्तों। तो देखिए ये पैशन प्रो बाइक है और इसमें एक प्रॉब्लम है, तो इसकी चाबी ऑन हो गई है और ये गाड़ी न्यूट्रल है इसलिए यहाँ पे लाइट जल रही है, ठीक है। अब इसको हम गियर में डालेंगे, तो इसको गियर में डाल दिया है। अब देखिए न्यूट्रल लाइट बंद हो गई, लेकिन एक प्रॉब्लम ये है कि इसका जब क्लच दबाएंगे तो न्यूट्रल लाइट जल जाएगी, देखना। ये देखिए ये क्लच हमने दबाई, देखिए लाइट जल गई, फिर क्लच छोड़ दिया लाइट बंद हो गई, अब फिर क्लच दबाया लाइट जल गई, ठीक है। ये देखिए क्लच दबाते ही न्यूट्रल लाइट जल जाती है, तो गाड़ी जब गियर में होती है तब इसको क्लच दबाते हैं तो ये लाइट जल जाती है न्यूट्रल वाली। तो ये क्या फॉल्ट है और इसको कैसे ठीक कर सकते हैं, इसके बारे में इस वीडियो में आपको बताएंगे। तो देखिए जब भी इस तरह की प्रॉब्लम आए तो यहाँ पे देखिए ये वायरिंग आ रही है, तो यहाँ पे एक माइक्रो रिले लगा होता है, वो मैं आपको निकाल दिखाता हूँ। देखिए ये माइक्रो रिले है और यहाँ से कनेक्ट इसका कनेक्शन होता है न्यूट्रल लाइट का, जो न्यूट्रल लाइट का वायर है वो डायरेक्टली न्यूट्रल स्विच, इंजन में जो न्यूट्रल स्विच लगा होता है वहाँ से ये यहाँ पे डायरेक्ट आया हुआ है, ठीक है। यहाँ से फिर क्लच स्विच में जाता है, देखिए ये इस कलर का वायर है और ये यहाँ पे देखिए उसी कलर का वायर है ये वाला, ठीक है। तो ये वायर यहाँ पे आया, तो अब इस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए जो ये रिले लगा हुआ है इसको चेंज करके देखना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि इसी के अंदर प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसको मैं अभी निकालता हूँ, उसके बाद फिर नया रिले लगा के देखता हूँ। तो इसको हमने निकाल लिया है और इसको यहाँ रखते हैं और ये इसका नया रिले है, तो इसको हम लगाएंगे, उसके बाद फिर देखते हैं कि फॉल्ट सही हुआ या नहीं सही हुआ। तो देखिए इसको हमने लगा दिया है, नया वाला जो रिले हम लाए थे उसको लगा दिया है। अब आपको मैं चेक कराता हूँ कि ये फॉल्ट जो है वो सही हुआ या नहीं सही हुआ। देखिए अभी गाड़ी गियर में है, चाबी इसकी ऑन है, ठीक है, और अब मैं क्लच दबाता हूँ। अब आप देखिएगा, देखिए हमने क्लच दबा दिया है लेकिन जो न्यूट्रल लाइट है वो जल नहीं रही है, तो इसका मतलब ये सही हो चुकी है। अब देखिए क्लच छोड़ दिया हमने और लाइट बंद है और इसको दबाया क्लच, फिर भी जो लाइट है ये जल नहीं रही है, और पहले क्या होता था कि ये लाइट जो है क्लच दबाने पे जल जाती थी, उस रिले से थी, तो रिले हमने चेंज कर दिया, तो ये प्रॉब्लम अब सॉल्व हो चुकी है। अब देखिए गाड़ी में न्यूट्रल करता हूँ फिर दिखाता हूँ लाइट जल जाएगी। देखिए लाइट जल गई है और अब हमने गियर डाल दिया, लाइट बंद हो गई है और क्लच दबाने पर ये अब जल नहीं रही है। तो पहले क्या होता था कि गाड़ी गियर में होती थी उसके बाद भी आप क्लच दबाते थे फिर भी ये लाइट क्लच दबाने पे जल जाती थी न्यूट्रल वाली। तो अब ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है और इस रिले को हमने चेंज कर दिया है। तो अगर आपके बाइक में भी ऐसी प्रॉब्लम है तो आप इस रिले को चेंज करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, फिर इस रिले को चेंज कर देंगे तो न्यूट्रल लाइट फिर आपकी सही हो जाएगी। तो वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा दें, ताकि इसी प्रकार के वीडियो आपको हम देते रहें और सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे आसानी से। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज़ एंड बाय बाय।